गोंडा में मतदाताओं का दिखा उत्साह। निकाय चुनाव को लेकर आज पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। नगर की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अपने प्रत्याशी को जिताने और नगर की सरकार बनाने के गोंडा जिले मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। जहां चलचलाती धूप में भी मतदान करने को लेकर लंबी लंबी कतार में मतदाता खड़े हुए नजर आए। वहीं सपा, भाजपा और निर्दल प्रत्याशी मतदान स्थलों का भ्रमण करते हुए नजर आए और अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आए। गोंडा जिले में 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत हैं, जिसमें 2,62,316 मतदाता हैं जो आज अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जिले में चल रहे चुनाव को लेकर आयुक्त देवी पाटन मंडल एमपी अग्रवाल ने बताया कि मंडल सहित जिले में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। कहीं पर किसी तरीके का कोई भी समस्या सामने नहीं आई है और लोग उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच निर्दल प्रत्याशी संध्या श्रीवास्तव के पति निर्मल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि COCD द्वारा उनका पास ले लिया और उसे फाड़ने की बात कही और उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में अब तक 43% वोट डाले जा चुके हैं। भैया कोई दिक्कत हुई है अभी, यहाँ चुनाव चल रहा था, क्या हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं निर्मल श्रीवास्तव निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। आज सैमसंग पोलिंग पे मैं लगभग 12 बजे आया हूँ, तो COCT महोदय जबरदस्ती मेरा कार्ड ले लिए। कैसा कार्ड है? मेरा कार्ड लेने के बाद ये प्रवेश पत्र। अच्छा, और मेरा कार्ड लेने के बाद मुझसे कह रहे हैं मैं कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा। मैंने कहा इस तरह क्यों? कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं कार्ड फाड़ के फेंक दूंगा। और मेरे ऊपर जबरदस्ती का दबाव बनाया जा रहा है नाजायज तरीके से। नहीं, क्या लगता है आपको कि शासन सत्ता के उसमें प्रभाव में कुछ काम किया जा रहा है क्या? सत्ता के दबाव में या कुछ, लेकिन प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिले में किस तरीके का, मंडल में किस तरीके का मतदान हो रहा है, इसके बारे में? मंडल की पूरी स्थिति ली गई, चारों जिलों के में मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और लोग जो हैं आ रहे हैं बाहर, आप देख रहे हैं मौसम भी कल की बारिश से बहुत अच्छा हो गया, इसलिए बहुत लोग निकल के आ रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा वोट पड़ेगा। अभी तक लगभग जितने बूथ हम घूमे हैं, अब तक लगभग 20% पोलिंग हो चुकी है गोंडा नगर पालिका में, और उम्मीद है कि ये पोलिंग अच्छी जाएगी और पिछले साल से शायद अधिक ही जाए इस बार। सर, अभी गोंडा नगर के किसी एक पोलिंग बूथ पर आप भ्रमण करके आ रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके का मतदान लोग कर रहे हैं? मतदान में लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत उत्साहित हैं और लोग काफी संख्या में निकल के आ रहे हैं, और डेफिनेटली अच्छे ही वोट होगी और इससे हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत होगा। क्या कहीं पर किसी तरीके का कोई व्यवधान? नहीं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी प्रकार की नहीं गोंडा नगर पालिका में, न ही मंडल के किसी जनपद में कोई ऐसी शिकायत है। कर आज वोट पड़ रहे हैं और आज भाजपा प्रत्याशी हैं, किस तरीके से क्या आप भ्रमण कर रहे हैं और किस तरीके से क्या माहौल? माहौल तो अच्छा है, युवाओं को, बड़ों सबको जोश है, वो सब मॉर्निंग से ही सुबह से ही वोट डालने में लगे हुए हैं, और इस बार लोगों को विकास की। पोलिंग बूथ पर आप जा रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, क्या लोगों में क्या उत्साह वगैरह दिख रहा है वोट को लेकर, वोट डालने को लेकर? ठीक, पोलिंग बूथ पर जा रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, क्या माहौल है, किस तरीके के चुनाव, किस तरीके के वोट पड़ रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, जिस तरह होना चाहिए, खामोशी से, सादगी से, सब कुछ ऐसे। क्या वो कुछ मेहनत के रंग आपको दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको? ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। फिर भी एक बेहतर है, उम्मीद है, लोगों का जो उत्साह है, उम्मीद तो है आगे ऊपर वाले की। किस तरीके का प्यार मिल रहा है, जगह जगह जा रही हैं आप, कहीं ना कहीं सभी अच्छे से पेश आ रहे हैं और प्यार तो पहले से दे रहे हैं, आज से नहीं, नवासी से प्यार दे रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ का प्रशासन ने कहा था, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वक्त चुनाव, क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है? बिल्कुल वैसे ही है, पहले कहा ना कि कुछ नॉर्मल तरीके से जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। गोंडा UP से राज मंगल सिंह की रिपोर्ट।